बेमौसम बारिश के चलते जो है अब किसान पशुपेश में है, परेशान है। धान की सप्लाई जो है जारी है। बंसल न्यूज़ मौजूद है किसान वेयर हाउस पर, यहाँ पर अति बारिश के चलते अब जो सड़क पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। बंसल न्यूज़ ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर मौसम ख़राब हो रहा है, इस कंडीशन में सरकार धान तुलाई कर रही है, अगर मौसम ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है कि जब सड़क नहीं होगी तो वाहन भी फंसेंगे और परिवहन करने में भी दिक्कत होगी। मेरे साथ सरकारी वेयर हाउस प्रबंधक साधना पवार मौजूद हैं। मैडम, मैं उनसे बात करने की पूरी कोशिश करता हूँ। हालाँकि प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जहाँ तक मैं कहता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि वेयर हाउस की भी बनती है, लेकिन मैडम से बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी गंभीर मामला है, सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। जो ट्रक जो है ओनर हैं, ड्राइवर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो परिवहन करते हैं। गाड़ियाँ फंस चुकी हैं मैडम, गाड़ियाँ फंस चुकी हैं पूरी तरीके से, लोग परेशान हैं, व्यवस्था चरमरा चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो जैसे ट्रॉलियाँ, आज ट्रॉली लगने का कोई दिन नहीं जी, आज शनिवार है जी और कल रविवार है, इस बीच में सैटरडे संडे गोदाम खोला जाता है तो परिवहन के लिए बाहर के केंद्र से जो गाड़ियां हैं वो लगवाई जाती हैं। और ऐसे में ट्रॉलियां हटवाने में कम से कम सुबह मैंने 3 घंटे लगाए हैं। समिति प्रबंधक भी है, किसान भी। देखो मैडम, मैं कहना चाह रहा हूँ प्राकृतिक आपदा है, वो हम सब जानते हैं कि बारिश, बेमौसम बारिश कभी भी हो सकती है। मैंने आपको आगाह भी किया था, बंसल न्यूज़ ने आपको आगाह भी किया था, पर प्रथम वर्ष में रोड किसी भी गोदाम जी अधिकतर जमीन बैठती है, पहली बारिश है ये। हाँ, नहीं, जमीन बैठ गई, सैकड़ों ट्रालियां फंस गई, जो जो आपके परिवहन करता है उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी फंस गई, अब कौन की जिम्मेदारी बनेगी? गोदाम प्रबंधक को बोला है, उन्होंने वहाँ पे कंक्रीट डलवाई है और वो इस रोड को दुरुस्त करेंगे, और यदि नहीं करते हैं तो जेबीएस जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत उनके किराए से कटौतरा किया जाएगा। मैम, जैसा कि किसानों ने अभी बंसल न्यूज़ को बताया है कि 8-8 दिन से लोग पड़े हुए हैं, मौसम खराब हो रहा है, सड़क भी खराब है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो हम मैसेज करवाते हैं, ना हम किसानों को यहाँ बुलाते हैं। हमारा काम केवल है गोदाम में ताले लगवाना, खुलवाना और सही क्वालिटी का माल रखा रहा है या नहीं रखा रहा वो देखना। नहीं, सड़क की अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें हम गोदाम संचालक का पूरा कटौतरा करेंगे, जो एक निश्चित दर है हमारे एग्रीमेंट में जो है। नहीं, आपको लगता है कहीं ना कहीं चूक तो हो गई है? गोदाम संचालक को पहले ही आगाह कर चुके थे कि आप अपने रोड करें, क्योंकि यदि बारिश हुई जी, ये बेमौसम बारिश है और होती है, लास्ट ईयर भी हुई थी जी, उसमें भी हुआ था, तो हमने उस टाइम भी गोदाम संचालक से ही बोला था कि यदि गाड़ियाँ फंसती हैं तो उनको निकलवाने की व्यवस्था, रोड सही करवाने की व्यवस्था सब। लेकिन अभी फिलहाल आपके जो किसान वेयर हाउस है वहाँ पर कितने वाहन फंसे हुए हैं, क्या आप बता पाएंगे? ये सब तो क्लियर है, लगभग कितने अनुमानित पहले से ट्रालियां खड़ी हैं। आप ये मानती हैं कि दर्जनों वाहन जो है फंसे हुए हैं, दर्जनों की तादाद में, जैसा कि हमारा कैमरा भी चल रहा है? जी, किसान की ट्रालियां पहले से लगी हैं, वहाँ पानी गिर रहा है, राइट, ठीक है, वो जहाँ थे वहाँ रह गए, मान रहे हम उस चीज को। अब ये वाहन फंसे हैं तो इनके लिए रोड की व्यवस्था भी उनसे बोला है, उधर आप खुद देख सकते हैं। मैम, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप कहना चाहेंगे कि चूक तो हुई है कहीं ना कहीं? नहीं, उसमें यदि मैं कहूँ मेरा दोष नहीं है, मैं गोदाम वाले को पहले ही आगाह कर चुकी जी, और हमारा जो काम है हम फिलहाल अभी वेयर हाउस प्रबंधन की क्या तैयारी है इस अति बारिश को लेके, बेमौसम बारिश को लेके? वेयर हाउस प्रबंधन, जैसे हम किसानों से अनलोडिंग करवा रहे हैं जी, तो हम सीधी गोदाम में करवा रहे हैं, ट्रॉली पास में हमने सीधी अनलोड अंदर करवा, ताकि यदि हमारे अंडर में रहे तो किसान का माल खराब ना हो, और जब उसके अंडर में है तो वो खुद अपनी आवक को या फसल को खुद सुरक्षित रखता है और वो बेहतर तरीके से। मैडम, अंतिम सवाल करना चाहूँगा, इसके बाद मैं अपने सवाल को कंक्लूड करूँगा कि बिल्कुल लास्ट सवाल करना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप जो मानती हैं कि चूक तो हुई है बड़े लेवल से, और इसकी जानकारी क्या आपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है कि इतने वाहन फंसे हुए? गोदाम का निरीक्षण सभी कर चुके हैं जी, सबके नॉलेज में है, सभी को पता है, गोदाम का निरीक्षण कर लिया गया है, सारे वरिष्ठ अधिकारियों को पता है, ये कहना था बेगमगंज वेयर हाउस प्रबंधक साधना पवार का। हालांकि उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, किसान भी परेशान हो रहा है, सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर वाहन भी फंसे हुए हैं। यहाँ पर मैं दो पहलू पे बात करना चाहूँगा, एक तो किसान जो अपनी धान लेकर आए हैं उनके वाहन फंसे हुए हैं, और दूसरे पहलू पे अगर मैं अपनी बात करूँ, बंसल न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहूँ कि जो परिवहन होता है बड़े बड़े वाहनों से, ये धान जो है यहाँ से जाती है, वो वाहन भी अभी फंसे हुए हैं। सहयोगी अनिल के साथ राशिद मीर, बंसल न्यूज़, बेगमगंज।